नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर, स्वागत है आपका भाग्य मंथन में, जहां रोज होता है ध्यान, योग, चिंतन, जन्म पत्रिका विश्लेषण, केवल आपके जीवन को मजबूत और सही दिशा देने के लिए। आप सभी के फोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस में से रोज की तरह हमने आज एक जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए चुनी है, जिनका नाम जिमुत रॉय है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। इनके लिए प्रश्न इनकी धर्म पत्नी ने पूछा है। प्रश्न देखें, जन्म कुंडली का अच्छा और बुरा पक्ष जानना चाहते हैं और साथ में करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं। जन्म विवरण, नाम जिमुत रॉय, जन्म दिनांक 7/3/1975, जन्म समय 7:18 सुबह के, जन्म स्थान कलकत्ता। आइए अब जिमुत जी की जन्म कुंडली का मंथन करते हैं। आपका जन्म पूर्वा अषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, जिनके स्वामी ग्रह शुक्रदेव है। जिमुत, आपका जन्म लग्न मीन है, जिनके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं, और चंद्र जन्म राशि धनु है, जिनके स्वामी ग्रह भी बृहस्पति देव ही हैं। आइए अब आपकी जन्म कुंडली के अच्छे पक्ष का मंथन करते हैं। पहला अच्छा पक्ष, लग्न स्थान पर उच्च राशि के शुक्र और स्वराशि के बृहस्पति विराजमान है, जो की शुद्ध बुद्धि, जीवन में सफलता देते हैं। दोनों ग्रह स्वयं शत्रु हैं, लेकिन लग्न में एक साथ बैठने के पश्चात अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान जरूर देते हैं और जातक को सफल बनाते हैं। दूसरा अच्छा पक्ष, चंद्रमा दशम भाव में मित्र राशि में विराजमान है, जो कि केंद्र भाव का सबसे मजबूत स्थान होता है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति कार्य स्थान के लिए बहुत अच्छी है। तीसरा अच्छा पक्ष, मंगल देव का लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि में जाना। इस योग का अच्छा पक्ष यह है कि जातक बहुत भू संपत्ति जोड़ता है। आइए अब आपकी जन्म कुंडली के खराब पक्ष का मंथन करते हैं। पहला खराब पक्ष, मंगल देव का लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि में जाना और जन्म कुंडली में सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखना, जो कि संतान उत्पत्ति का भाव है। इस योग के कारण संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा खराब पक्ष, जन्म कुंडली में राहु केतु आंशिक काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि कर्म स्थान में निरंतर बदलाव और परेशानियों को प्रकट करते हैं। राहु भाग्य स्थान पर होने से भाग्योदय देरी से करवाते हैं। तीसरा खराब पक्ष, सूर्य का 12वें भाव में शनि की राशि में जाना। सूर्य हमारी जन्म कुंडली में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अगर यह जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो पिता पक्ष से समस्याएं और बदनामी का योग बनता है और इसके चलते असफलता का मुंह बार बार देखना पड़ता है। जन्म कुंडली के माध्यम से शरीर में स्थित सप्त चक्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान कौन सा है, जानिए। पहला स्थान काल सर्प दोष और सूर्य की स्थिति मूलाधार चक्र से संबंधित असंतुलन को प्रकट करता है। दूसरा, संतान भाव से संबंधित मंगल की दृष्टि स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित असंतुलन को प्रकट करती है। आइए आपकी जन्म कुंडली पर हमारा निष्कर्ष जान लीजिए। जिमुत, आपकी अभी राहु की महादशा चल रही है, जो कि आपके जॉब को बार बार प्रभावित करेगी। राहु आपकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है और भाग्य को बहुत प्रभावित कर रहा है। अगस्त के बाद आपको जॉब में काफी राहत और स्थिरता मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, जो कि आपको जीवन में बहुत जल्दी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी। जीवन में किन चीजों से आपको बच के रहना है? पहला, रविवार के दिन मांसाहार और नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मांसाहार को बिल्कुल त्याग दें तो यह बहुत ही अच्छा है। दूसरा, काली वस्तुएं उपहार स्वरूप कभी ना लें, इससे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। तीसरा, दक्षिण और पश्चिम मुखी भवन में वास ना करें, आपके लिए विशेष कष्टदायक है। जीवन को सही दिशा और मजबूती देने के लिए क्या उपाय करें, जानें। पहला उपाय आता है रत्न धारण क्षेत्र से 8:25 रत्ती का पुखराज शुक्ल पक्षीय बृहस्पतिवार के दिन धारण करें। दूसरा उपाय आता है रुद्राक्ष धारण क्षेत्र से 2 7-मुखी रुद्राक्ष और 1 8-मुखी रुद्राक्ष शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन मंत्र शुद्धि के बाद गले में धारण करें। तीसरा उपाय आता है दान क्षेत्र से, प्रत्येक मंगलवार को 1/4 किलो लाल दाल हनुमान मंदिर में और बुधवार के दिन 1 मुट्ठी काली उड़द नीले रंग के कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान करें। चौथा उपाय आता है आपका जन्म राशि के मंत्र जाप से, ओम ह्रीम क्लीम सौ, इस मंत्र के जाप से आपकी जन्म राशि को बल मिलेगा। पांचवा उपाय आता है देव स्थान की यात्रा से, उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर के दर्शन आपको अवश्य ही करने चाहिए। छठा उपाय आता है सप्तचक्र ध्यान से, आपको रविवार के दिन मूलाधार चक्र और सोमवार के दिन स्वाधिष्ठान चक्र पर 10 मिनट तक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।